रमजान की बेअदबी करने वाले पाकिस्तान ने पहली बार जम्मू में उस दरगाह के पास फायरिंग की है जहां खुद पाकिस्तानी रेंजर्स आकर चादर चढ़ाते हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में एक बीएसएफ अधिकारी समेत चार जवान शहीद हो गए। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया, तीन जवान भी घायल हैं। कल रात 10:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक भारी गोलीबारी हुई। बाबा चमलियाल की दरगाह के पास भी गोलीबारी हुई। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल शहीद हुए। आतंकियों के लगातार एनकाउंटर से बौखलाया पाकिस्तान अक्सर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करता है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने चमलियाल पोस्ट पर बनी दरगाह के पास फायरिंग की। दरगाह में उस वक्त काफी श्रद्धालु थे जिन्हें जान बचाने के लिए दरगाह में शरण लेनी पड़ी। हर साल जून में आखिरी हफ्ते में यहां उर्स होता है। पाकिस्तान से भी लोग इस दरगाह में आते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स यहां चादर चढ़ाते हैं। बाबा चमलियाल पर कल रात पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की गई। बीएसएफ के जवान जो हैं उसमें चार जवान जो हैं शहीद हुए, अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, जवान भी हैं। और ये बाबा दिलीप सिंह मनहास जिन्हें चमलियाल बाबा भी कहते हैं, ये उनकी दरगाह है और इसी दरगाह को निशाना लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोलाबारी की गई। फायरिंग में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर रजनीश, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राम निवास, कांस्टेबल हंसराज शहीद हुए हैं। What Pakistan does is Pakistan's business. How we respond to the betrayal is our job.